ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දාන වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 63 යා 63 63 යා 63 බාල බග්ගු immature persons immature section। अगर आपने देखा हो कि पुरानी भाषा में जो पैंट लगती थी छोटे छोटे गांव में साप्ताहिक बाजार हुआ करते थे तो कहते थे कि पैंट लगी नहीं और गट गटे पहले ही आ गए, यानी कि गांठ को काटने वाले पहले ही आ गए। पैंट लगी नहीं और गट कटे पहले आ गए, यानी चोर चक्के पहले आ गए। ये जो गांठ शब्द है बेसिकली ये पाली का गंठी है, गंठी को गांठ बोलते हैं। गंठी बहुत सारे जो चीजें हैं उसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर किसी को हम बांध दें, टाई कर दें, बांध दें उसको, तो उसको कहते हैं कि ये हमने गंठी कर दिया। उसी को बाद में जो संस्कृत भाषा है उसमें ग्रंथी बोला गया है, यानी ग्रंथ बोला गया है। अगर कोई चीज बांध दी जाए तो उसको ग्रंथ बोलते हैं या गंठी बोलते हैं, तो वो गंठी हो गया, ग्रंथ हो गया। और अगर कोई उसको चुराता है या चोर है या जेब से पैसा निकालता है, गांठ में से पैसा निकालता है, क्योंकि पहले जेबें नहीं होती थी, पहले एक चादर होती थी, चीवर होता था, और उस चीवर या चादर के कोने में कुछ बांध के जो भी मुद्रा है या जो खाने का सामान है या कोई वस्तु है उसको बांधते थे, तो उसको कहते थे कि गांठ बांध ले। जो पल्लू में गांठ बांध ली, ये आपने मुहावरा सुना होगा कि इस बात को गांठ बांध ले या पल्लू में गांठ मैंने बांध ली, ये वही गंठी है, वही ये गांठ है। तो यहां गांठ को भेदने वाले गंठी भेदक को चोर बोलते हैं, यानी कि चोर होते हैं। ऐसे ही दो गंठी भेदक यानी कि जो चोर हैं वो भगवान बुद्ध के जो देशना है, जो वचन है, ये वाणी है, उनको सुनने के लिए वहां पहुंचे जहां सावित्री के अंदर भगवान बुद्ध अपनी देशना दे रहे थे, लोगों को धम्म समझा रहे थे। दोनों चोर इस उम्मीद में कि यहां लोग आते हैं और उनकी हम गंठी को भेद कर देंगे, काट लेंगे, पैसा निकाल लेंगे, चुरा लेंगे। एक जो उनमें चोर था वो वहां पर धम्म को सुनते सुनते धम्म में लीन होने लगा और दूसरा अपना चोरी के काम में लीन होने लगा। चोरी का काम आम बात थी उस समय, क्योंकि व्यभिचार बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे बुद्ध से पहले, इसलिए भगवान बुद्ध ने अदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदंग समाधिया समाधियामी, यानी कि ए दिन दाना, यानी ए दिन का मतलब है बिना दिया हुआ दान, ऐसा दान लेने के लिए मना किया जिसको चोरी बोलते हैं, यानी जो देगा तो लेंगे और अगर नहीं देगा तो दान नहीं लेंगे। तो दोनों चोर वहां एक धम्म में लीन हो गया और दूसरा चोरी में लीन हो गया। चोरी वाले ने अपना चोरी की और धम्म वाले ने अपना धम्म सीखा और दोनों घर आ गए। चोरी वाला जो धन की जो चोरी करके लाया था उससे उसने खाने का सामान खरीदा और उसके घर में खूब खाना पकवान की खुशबू आने लगी। दूसरे वाले चोर के पास आज कुछ नहीं था तो इसलिए उसके घर में खाना नहीं बना। उसकी बीवी ने उसको बड़ा ताना मारा कि तुमने ये क्या किया, अपना काम नहीं किया और देखो वहां कैसे पकवान बन रहे हैं। ये सुनकर वो थोड़ा व्याकुल हुआ, परेशान हुआ। उसने सोचा कि इसका उपाय मैं तो बता नहीं सकता, भगवान बुद्ध ही बताएंगे। तो वो भगवान बुद्ध के पास अपनी पत्नी को लेके गया और सारी घटना वहां बताई। जो सारी घटना वहां बताई, उस घटना के बाद जो भगवान बुद्ध ने गाथा कही 63 नंबर की, 63 नंबर की, वो इस प्रकार है। यो बालो मय्यति बालयंग पंडितो वापी तेन सो बालो चे पंडित मानी से वे बालो ती उच्चति। यो बालो मय्यति बालयंग, यो माने जो, बालो माने इमेच्योर या अज्ञान या जो धम्म को नहीं जानता या जो दुनिया को नहीं समझता और अपने गलत काम में लगा हुआ है, जो पाप को लगातार इकट्ठा कर रहा है, उस व्यक्ति को यहां बालो या मूर्ख बोला गया है, या मूर्ख भी कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है। तो जो ऐसे मूर्ख हैं, जो ऐसे अज्ञान हैं, जो ऐसे पाप कर्म लगातार जीवन में इकट्ठे कर रहे हैं, मय्यति बालयंग, मय्यति का मतलब है मानना, मानना मतलब मान्यता,
मान्यता और बाल्यंग की मतलब मूर्ता की बचपन की, यानी कि वो इसकी मान्यता को स्वीकार करते हैं। वो ये मानते हैं कि वो मूर्ख हैं और वो पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं, सीरों का दुष्कर्म जितना भी है वो कर रहे हैं, दुष्ट कर्म कर रहे हैं। पंडितो वापी तेन सो, पंडितों का मतलब यहां जो आता है, जो पंडित शब्द है उसको पांडु से बना हुआ है। पांडु का मतलब होता है पीला रंग या हल्का सफेद पीला रंग, उसको पांडु रंग बोलते हैं। एक पांडु रोग भी होता है जिसको पीलिया बोलते हैं, पांडु रंग। और जो पीले कपड़े पहनता है उनको भिक्कु या मंक्स बुला करते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध की परंपरा के बाद ही फूलों से या पेड़ की छालों से या नेचुरल कलर से जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं या किसी के बीज से या किसी फल से, उनमें वो कपड़े सारे एक से रंगे जाते थे। जो भगवान बुद्ध के जितने भी सेवक या जितने भी श्रावक संघ होता था, जो शिष्य होते थे, वो सारे के सारे पहनते थे। खुद भगवान बुद्ध भी उन कपड़ों को पहनते थे। तो ये कपड़े सारे पांडु रंग के होते थे, पीले रंग के होते थे। बाद में इनका रंग सबका भगवान के नाम पे भगवा पड़ गया, क्योंकि सारे लोग भगवान भी कलर को पढ़ते थे तो कहते थे भगवा कहाँ है, यानी कि भगवा रंग पहने हुए कहाँ है। तो पांडु रंग और भगवा रंग दोनों एक ही है। भगवा थोड़ा सा तेज होता है, पांडु हल्का सा पीला होता है। चीवर में, चादर में ये रंग आज भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो जो भिक्षु या मंक, जो जानकार लोग उन कपड़ों को पहनते थे, उनको विद्वान बोलते थे। इसलिए पंडित पांडु शब्द से बना हुआ है कि जो पीले रंग के भिक्षु हुआ करते थे वो पंडित होते थे, वो जानकार होते थे। पंडितो वापी तेन सो, तेन सो का मतलब है इस कारण से। सो माने वह, वापी माने वह भी, यानी कि वो जो मूढ़ व्यक्ति है वह भी इस कारण से विद्वान में गिना जाता है, क्योंकि वो अपनी मूर्खता को स्वीकार करता है, उसको मान्यता देता है, उसको एक्सेप्ट करता है। यानी कि कोई अगर मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञान व्यक्ति है और पाप को लगातार लगातार इकट्ठा कर रहा है और वो इसकी इस बात को जानता है, इस बात को स्वीकार करता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, तो भी वो पंडितों की, जानकारों की या समझदारों की श्रेणी में आता है, पीले कपड़े वाले भिक्खुओं की श्रेणी में आता है। बालोचे पंडित मानी, बालोचे पंडित मानी, यानी कि अगर कोई, यदि कोई ऐसा मूर्ख है, ऐसा मूढ़ है जो अपने आप को ज्ञानी मानता है, पंडित मानी मानता है, जानकार मानता है, पीले कपड़े वाला मानता है, भिक्कु मानता है, यानी कि जानता कुछ नहीं और अपने आप को ज्ञानी मानता है। से वे बालो ती उच्चति, से वे का मतलब है वह, यानी कि वह साथ में और स्थिर। वे माने होता है स्थिर, यानी कि वो स्थिर है। बालो एति उच्चति, एति का मतलब है, इति का मतलब है ऐसा और उच्चति का माने कहा जाएगा, यानी कि इस प्रकार वास्तव में उसको मूर्ख और मूर्ख कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख और मूर्ख कहा जाएगा, अज्ञान कहा जाएगा, जो जानता कुछ नहीं और अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान मानता है और विद्वान समझता है और विद्वान की मान्यता देता है। ये बात उन्होंने, वहां जो चोर आया अपनी पत्नी के साथ में, अब तो वो चोर रहा नहीं क्योंकि उसने चोरी छोड़ दी, तो जो व्यक्ति वहां वो आया था उसने वहां कही और भगवान बुद्ध ने इसको डिटेल में वहां समझाया। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें कैखे गेव नहीं आता और वो अपने नाम के आगे पीछे बड़े बड़े अलंकार लगा के घूमते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीले कपड़े धारण कर लेते हैं या जो भगवा कलर है उसको धारण कर लेते हैं या कंठी माला डाल लेते हैं और अपने आप को बड़े विद्वान का लहजे में जागते हैं और लोगों से सम्मान और पैसा पाने की कोशिश करते हैं और पाते हैं, और मूर्ख लोग उनको देते भी हैं सम्मान, क्योंकि वो ज्ञान पूछते नहीं, ज्ञान उन्हें आता नहीं, वो ये मानते हैं कि ये ज्ञान का प्रतीक है और उन ज्ञान के प्रतीक में उनको पूरा भर भर के पैसा और सम्मान देते हैं। जबकि असली जो ज्ञान वाले लोग हैं वो, चूंकि वो कभी कोई प्रतीक वगैरह लगाते नहीं, कोई चिन्ह लगाते नहीं, इसलिए वो सामान्य रूप से रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश में अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान बताते हैं, श्रेणी बताते हैं, और वो मूर्खों की श्रेणी में लाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो भगवान ने ये बात वहां इसलिए कही क्योंकि जो चोर है उसने ये स्वीकार लिया कि वो चोरी करता है और अब उसने छोड़ दिया है, तो वो विद्वान की श्रेणी में आ गया है और अब धम्म उसको बिल्कुल ठीक कर देगा, क्योंकि धम्म में आने के बाद में व्यक्ति अपने आप ही समृद्ध होता जाता है। जबकि चोरी का माल जितना भी दुनिया में लोगों ने खाया है, चाहे वो कमीशन खाया है, चाहे वो रिश्वत ली है, चाहे वो व्यभिचार करके खाया है, चाहे वो देश को बेचकर खाया है, चाहे वो व्यक्ति से व्यक्ति को लूट कर खाया है, चाहे देशद्रोह करके बड़ा चढ़ा के बिल बना के खाए हैं या कहीं सप्लाई आधी अधूरी ली है, किसी भी तरह का व्यभिचार अगर करके कोई आदमी पैसा लेता है,
अनंत वो देशद्रोह में आता है, क्योंकि देश के अंदर देश के पैसे को वो बर्बाद कर रहा है, देश के पैसे को देश के अंदर वो व्यभिचार तरीके से ले रहा है, या देश के व्यक्ति को देश के अंदर दूसरा व्यक्ति लूट रहा है, क्योंकि दोनों ही देश के व्यक्ति हैं, दोनों ही देश के एक ही अंदर आते हैं, तो एक व्यक्ति अगर देश का दूसरे को लूटता है तो वो देशद्रोही की श्रृंखला में आता है, देश के दुश्मन के नाम से पहचाना जाता है। तो भगवान बुद्ध ने वहां बिल्कुल स्पष्ट किया कि अब इस जो व्यक्ति है अब इसका कल्याण होगा और भला होगा, क्योंकि अब ये विद्वानों की श्रेणी में आ गया है, अब इसके मन में पाप नहीं रहेगा। और जो दूसरा चोर है, क्योंकि उसने चोरी करके खाया है इसलिए वो दुनिया को बता नहीं सकता कि उसने पैसा कहां से आया, खाना कहां से आया, और वो किसी रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस में कभी नहीं कह पाएगा कि उसकी आमदनी कहां से होती है, कैसे होती है, इसलिए वो पैसा या खाना उसको फलेगा भी नहीं, उसका मन हमेशा चोरी में रहेगा, उसका मन हमेशा पाप में रहेगा, उसके बच्चे हमेशा इस बात के लिए परेशान रहेंगे कि उनका जो बाप है वो चोरी करके पैसा लाता है, लूट करके लाता है, और वो इज्जत का पैसा नहीं है, तो वो कहीं कह भी नहीं पाएंगे, उनकी आवाज भी नहीं निकल पाएगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया। यहां तीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मय्यति है, मय्यति का मतलब है मान्यता, यानी कि आज आपने अगर अपने आप को ये मान्यता दे दी कि आप गलत काम करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा यह है कि आपने किसी गलत व्यक्ति को अगर मान्यता दे दी तो गलत व्यक्ति आपको हानि पहुंचाएगा, आपने अगर अपनी मान्यता खत्म कर दी गलत व्यक्ति से तो वो व्यक्ति मर जाएगा। यानी मान्यता की इतनी बड़ी महिमा है कि आपने किसी कोई व्यक्ति अगर गलत है और आपको झूठ बोल के उसने कुछ किया है आपके साथ में, या कोई उसने व्यभिचार किया है या वो कर रहा है लगातार, और आप उसको मानना बंद कर दो, आप उसका सम्मानजनक जो शब्द है, चाहे उसको साहेब कहते हैं या साहब कहते हैं या जी कहते हैं या श्रीमान कहते हैं या महोदय कहते हैं या सर कहते हैं, आप उसका वो तमगा छीन लीजिए, आप उसे मान्यता देनी बंद कर दीजिए, उससे बात करनी बंद कर दीजिए, उसका जिक्र करना बंद कर दीजिए, तो वो मर जाएगा। ऐसे ही चोर ने चोरी की मान्यता को स्वीकार करते ही जो चोरी वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया और उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की थी, अब नहीं करूंगा, उसके मन के सारे जितने भी व्याधि थी, जितनी परेशानियां थी, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी, क्योंकि आगे बनेंगी नहीं और पीछे की खत्म हो गई। जबकि जो दूसरा चोर है वो कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, तो उसको राजा या सरकार दंड देगी, अगर वो राजा या सरकार के दंड से बच भी गया तो उसको सामाजिक दंड मिलेगा, समाज में उसकी इज्जत नहीं रहेगी, कोई उसे पूछेगा नहीं, उसके मरने के बाद भी वो चोर और चोर की संतान ही कहलाएंगे, देशद्रोही और देशद्रोही की संतान ही कहलाएंगे। अगर वो वहां से भी बचेगा तो उसको मानसिक आघात हमेशा रहेगा, क्योंकि मन में हमेशा चोरी का रहेगा उसके बच्चों में, उसमें भी, कि चोरी करके हमने ये कमाया है, चोरी करके लेके आए हैं, तो उसके बच्चे और उसकी पीढ़ियां और उसके आसपास के रिश्तेदार सब बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे जो इसका लाभ लेंगे चोरी का। और अगर यहां से भी बच जाएगा तो ये पाप कर्म शरीर के अंदर जमा हो जाता है, इसकी फाइल खुल जाती है, उसमें ये दर्ज हो जाता है, ये वाइब्रेशन के रूप में, कोड के रूप में अंदर जाता है, और जब व्यक्ति मरता है तो ये सिग्नल और ये फाइल ही, ये कोड ही ट्रांसफर होते हैं वाईफाई के थ्रू, और ये दूसरा घर यानी कि दूसरा जीव ढूंढते हैं जहां ये अपने आप को जीवन के रूप में बना सके। तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे जीवन नहीं मिलते और सदियों तक उसको, क्योंकि मुक्ति तो मिलेगी नहीं, मुक्त तो होगा नहीं, इतने कर्मफल उसके पास हैं, तो कर्मफल इतने पास होने की वजह से वो हमेशा निगेटिव एनर्जी के साथ रहेगा और उसका नुकसान हमें जीवन भर होगा। तो चोर या जो सीलों का नियम को तोड़ता है वो अपने जितने भी कर्म किए हैं उनका हिसाब उसको देना ही पड़ेगा, ये भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से बनाया, और उस चोर का धम्म सीखते ही उद्धार हो गया। ये है गाथा कथा नंबर 63। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। सरेण गच्छा।
इच्छामि। दूतियम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। कामेषु मिथ्याचार विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि। कामेषु मिथ्याचार विरमणि।